नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर DTH टच पर। आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ एक बार फिर से शेयर करेंगे नए चैनल के बारे में, जिसका नाम है E24। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे आज की वीडियो में, और ये भी बताएंगे कि ये चैनल आपको DD फ्री डिश पे कब से देखने के लिए मिलेगा MPG सेटबॉक्स 2 पे। जी, आपको ये चैनल अभी देखना है तो कौन सा सैटेलाइट आपको सेट करना पड़ेगा और कौन सी कैटागरी का ये चैनल रहेगा, पूरी जानकारी देंगे इसी वीडियो में। वीडियो पूरी देखना, पूरी वीडियो को आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या आज की अपडेट दी थी आपको E24 की। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को बस से बस शेयर करना, क्योंकि इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको मिलती रहे। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एक नया चैनल DD फ्री डिश पे भी आ सकता है नेक्स्ट ई ऑप्शन पे। जैसे जैसे नेक्स्ट ई ऑप्शन की डेट नेड़े आ रही है, यानी कि डेट तो अभी तक कन्फर्म नहीं हुई, लेकिन प्रसार भारती इसी महीने ई ऑप्शन कर देगा और इसमें कम से कम 20 चैनल आपको नए देखने के लिए मिलेंगे, जिनमें से कुछ चैनलों के नाम हमने आपके साथ पहले भी कन्फर्म किए हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। और उसके बाद जो जो चैनल स्लॉट जीतेगा वह चैनल आपके DD फ्री डिश पे ऐड किया जाएगा MPG सेटबॉक्स 2 पे। उसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि E24 जो कि एक बॉलीवुड का म्यूजिक और मूवीज चैनल है, जिसमें यानी कि आपको मिक्स कैटेगरी देखने के लिए मिलती है, और ये चैनल भी इस बार ई ऑप्शन पे पार्टिसिपेट करने जा रहा है। जब DD फ्री डिश की लॉन्चिंग हुई थी, जब DD फ्री डिश मार्केट में आई थी, उस टाइम ये चैनल आपको DD फ्री डिश पर भी देखने के लिए मिलता था, लेकिन उसके बाद ये चैनल पेड कर दिया गया, जहां आपको सी बैंड के सैटेलाइट पे 83 ईस्ट सी बैंड के सैटेलाइट पे ये चैनल देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये चैनल DD फ्री डिश पे वापसी करेगा और DD फ्री डिश पे आपको नया म्यूजिक और मूवी चैनल देखने के लिए मिल सकता है 60वीं ई ऑप्शन पे। जैसे और कोई अपडेट आएगी और कौन कौन से चैनल जो DD फ्री डिश पे ऐड किए जाएंगे, उसकी भी सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट हमारे YouTube के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।